हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 4 का बहुत ही हम इंटरेस्टिंग चैप्टर कह सकते हैं केमिस्ट्री पोर्शन का स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से इंजॉय करोगे और ये आपको 10th में, इवन कि आप अगर साइंस की लाइन में अगर मेडिकल नॉन मेडिकल में भी जाएंगे ना, तब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट है यहाँ पर और इस कंसेप्ट से आप आगे भी प्रोग्रेस करोगे। तो यहाँ से आपने अच्छे से इस चैप्टर को समझना है ताकि आपको 10th में, 11th में, 12th में आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फर्स्ट बेटा, आप कुछ मटेरियल्स के बारे में तो जानते होंगे ना, जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर। ठीक है, इन सब के बारे में आपको पता होगा, आपने इनके नाम सुने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक टेबल दी है 4.1, इसमें अपीयरेंस और हार्डनेस देखनी है मटेरियल की। हमने इस टेबल में जो है यहाँ पर कुछ मटेरियल्स ले लिए, जैसे कि आयरन, कोल, सल्फर, एल्यूमिनियम और कॉपर। और अब देखना है कि ये सारी चीज़ें अपीयरेंस मीन्स देखने में कैसी हैं, शाइनी है या फिर डल है, और या फिर हार्ड है या फिर हार्ड नहीं है। तो हम इसमें क्या ऑब्जर्व करते हैं, आयरन जो होता है वो कैसा है, शाइनी है कि डल है, हार्ड है कि नहीं है, आपको पता है ना, कोल, सल्फर, एल्यूमिनियम, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। और फिर हम क्या देखेंगे कि ये मटेरियल जो होते हैं ना, मटेरियल जो भी मेटल्स हैं वो तो हार्ड होते हैं और शाइनी होते हैं, और लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं वो हार्ड और शाइनी नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर इनके बीच का जो डिफरेंस है फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से हम इस चैप्टर पे पूरा कम्प्लीटली देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, मीन्स देखने में, छूने में, हीट की कंडक्टिविटी। ठीक है, सॉलिड है, चमक है उसके अंदर है नहीं, उसको हम उसके ऊपर पीटते हैं तो आवाज़ आती है कि नहीं आती है, तो ये सारी क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो फर्स्ट हम देख रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो बेटा आपने ब्लैक स्मिथ मीन्स लोहार, जो लोहे का काम करते हैं ना उनको कहते हैं, आपने उनको देखा होगा आयरन पीस को, लोहे की चीज़ों को पीटते हैं। ठीक है, जैसे लाइक स्पैड, शॉवल एंड एक्सेल, ये सारी चीज़ें वो बनाते हैं ना, क्यों, क्योंकि उनको पीट पीट के वो अलग अलग शेप देते हैं। जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख रहे हो ना, आप ये भी कर सकते हो, जैसे कि अगर आपने हैमर लिया है, ठीक है, ये हैमर है, और यहाँ पर जो है आपने हैमर के साथ क्या करना है, एक आयरन नील ले लेना और उसके ऊपर हैमर से क्या करना है, जोर जोर से पीटना है, तो आप क्या देखोगे, या एल्यूमिनियम की वायर ले लो तो इसकी शेप हम देखेंगे कि क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर अगली जो टेबल है 4.2 में, इसमें ऑब्जर्व करना है कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में हमने क्या देखा कि जो मेटल की चीज़ें हैं उनकी शेप तो क्या होती है, चेंज हो जाती है, लेकिन जो नॉन मेटल है उसकी शेप चेंज नहीं होती, वो तो टूट जाता है। एल्यूमिनियम जो है मेटल है, इसकी शेप चेंज हो जाती है। पेंसिल लेड जो है नॉन मेटल है, तो इसकी शेप चेंज नहीं होती है, ये टूट जाता है। ठीक है, मेटल ऑलमोस्ट क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं बेटा। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन केस है, जैसे कि मरकरी जो होता है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, लेकिन हम मेटल जो जितने भी मेटल होते हैं ना, वो सारे क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। इसी तरीके से नॉन मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो सॉलिड और गैस में होते हैं। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन केस इसमें भी है, तो चलिए आगे देखते हैं। पहले हम, अब आपने यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया, जो कि मैंने आपको बताया कि अगर आयरन को और एल्यूमिनियम को पीटा तो वो क्या बन जाते हैं, शीट बन जाते हैं या चिपटे हो जाते हैं, लेकिन अगर वही कोल को आपने पीटा तो वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। तभी तो आपने देखा होगा एल्यूमिनियम की जो है फॉइल पेपर बनता है, ठीक है, जिसमें फूड को क्या किया जाता है, रैप किया जाता है। ठीक है, फूड को क्या किया जाता है, रैप किया जाता है।
ठीक है। तो जो प्रॉपर्टी, ठीक है, अब ये आपने ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटेड इनटू थिन शीट इज कॉल्ड मैलेबिलिटी। ऐसी प्रॉपर्टी मेटल की जिसको हम पीट कर पतली शीट बना देते हैं, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, मैलेबिलिटी। ठीक है, ये सारे कैरेक्टर किस में पाए जाते हैं, मेटल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, मेटल को अगर पीटा जाता है तो वो शीट बन जाता है, तो हम कह सकते हैं मेटल जो होते हैं उनके अंदर मैलेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है और नॉन मेटल के अंदर मैलेबिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती है। अगर हम कोयले को तोड़े या पेंसिल के ऊपर पीटे तो ये सब क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, तो इट मीन्स इनके अंदर नॉन जो मैलेबिलिटी की प्रॉपर्टी है वो नहीं होती है। ठीक है, अब अगली एक्टिविटी हम देखते हैं 4.2। 4.2 में आपने क्या देखा कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपने सेटअप बनाना है, एक हमने सेल ले लिया है, यहाँ पर हमने आयरन नेल लगा दी है और यहाँ पे बल्ब लगा दिया है। तो अब हमने देखा यहाँ आयरन नेल लगाया ना, तो ये बल्ब ग्लो हो गया। अगर इसकी जगह हमने क्या लगाया, कोल लगा दिया, मीन्स कोयला लगा दिया, तो ये बल्ब ग्लो नहीं होता है। ठीक है, इससे हमें क्या पता चला कि जो मेटल्स होते हैं ना वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और नॉन मेटल जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मीन्स मेटल में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है और नॉन मेटल से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आपको कुछ दिया हुआ है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल्स, तो अगर हम यहाँ देखें आयरन नेल या आयरन रॉड तो वो गुड कंडक्टर है। ठीक है, सल्फर जो होता है वो नॉन मेटल है तो वो पुअर कंडक्टर है। अगर कोयले का पीस लिया तो वो भी क्या है, बैड कंडक्टर। अगर कॉपर वायर है तो वो मेटल है, इसलिए वो क्या होगा, गुड कंडक्टर। इस तरीके से हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि जो मेटल्स हैं वो सारे गुड कंडक्टर हैं और जो नॉन मेटल है वो सारे क्या है, पुअर कंडक्टर है। ठीक है, अब पहली कुछ कह रही है, ओ द मीन ऑफ द रिकॉलिंग अवर एक्सपीरियंस एंड देन ऑफ दिस एक्टिविटी वाज टू शो दैट द मेटल आर गुड कंडक्टर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब इससे हमें ये भी पता चल गया कि जो मेटल होती है वो हमेशा गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी है और इलेक्ट्रिसिटी भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, ठीक है, कौन सी, डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी क्या होती है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन ड्रॉन इनटू वायर। देखो मैलेबिलिटी मीन्स हम जब उसको शीट बना सकते हैं तो वो मैलेबिलिटी होती है, और जब हम उसकी खींच के तार बना देते हैं ना तो उसे क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। तो ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, दोनों ध्यान रखना है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। जब हम किसी भी चीज़ को वायर में चेंज कर देते हैं तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। ठीक है, तो अब जिनके शीट बना सकते हैं वो डक्टिल भी होती है। ठीक है, तो जितनी भी जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, इनके सबकी वायर भी बनती है ना, इसलिए वो क्या है, डक्टिलिटी उनके अंदर होती है। तो हम कह सकते हैं मेटल आर डक्टिल और नॉन मेटल आर नॉन डक्टिल। ठीक है, अब अगर मेटल, आप कोई बर्तन होते ना हमारे घर में, अगर हम हमारे हाथ से गिर जाए या लोहे की शीट हमारे हाथ से गिर जाए, तो जब वो नीचे गिरती तो आपने सुना होगा कि कैसी छन वाली साउंड आती है, मीन्स वो ठनठन ठनठन वाली साउंड आती है, तो उस साउंड को बोलते हैं सोनारस। क्या बोलते हैं, सोनारस। तो जो मेटल होते ना उसमें साउंड जो होती है सोनारस होती है, और जो नॉन मेटल होती है उसमें सोनारस नहीं होती है। आपने कई बार कॉइन गिराया होगा, देखो ना जो झंझनाहट की आवाज़ आती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सोनारस। तो जो नॉन मेटल होती है वो सोनारस नहीं होती है, और मेटल में क्या होती है, सोनारस होती है। ठीक है, तो बच्चे हम यहाँ कह सकते हैं, आप इस पैरे को देख सकते हो, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ पर, कि द थिंग मेड ऑफ द मेटल प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड। कोई भी चीज अगर मेटल की बनी है तो उसमें रिंगिंग साउंड जब आती है तो वो क्या होता है, उसमें सोनरस प्रॉपर्टी होती है। तो मीन्स मेटल में सोनरस प्रॉपर्टी होती है, अगर हम लकड़ी को गिराएंगे तो उसमें सोनरस प्रॉपर्टी नहीं होगी। ठीक है, तो सिंस मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, इसलिए वो क्या होती है, सोनरस, और नॉन मेटल सोनरस नहीं होती है। ठीक है, तो अब हमने क्या क्या परफॉर्मेंस देखी अपनी एक्टिविटियों में, कि जो मटेरियल है हार्ड, लस्चर, लस्चर मीन्स चमक,
ठीक है, लस्टर जो भी होती है, जो चमक होती है ना मेटल, आपने देखा होगा चमकीली होती है, ठीक है। तो मैलेबिलिटी देख ली हमने, डक्टिलिटी देख ली, सोनरस देख लिया, गुड कंडक्टर हीट और इलेक्ट्रिसिटी देख ली। तो ये सारी प्रॉपर्टियाँ जो है मेटल में होती हैं और नॉन मेटल में नहीं होती है। कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब मेटल कौन कौन से होते हैं, आयरन, एल्यूमिनियम, और नॉन मेटल कौन से होते हैं, जैसे कि आप ले लेते हो सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, ठीक है। तो नॉन मेटल ऑलमोस्ट सॉलिड और गैसेस फॉर्म में होते हैं। चलिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देख लेते हैं, इसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। मेटल लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट। हम कहते हैं ना मेटल बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, तोड़ने से टूटता नहीं है, लेकिन एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है कि हम कहते हैं ऐसा होगा, बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो वैसी नहीं होती हैं। हमने कहा मेटल सॉलिड होती है, पर कुछ नहीं है, ठीक है। तो मेटल जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, इनको हम चाकू से भी कट कर सकते हैं, ये एक्सेप्शन हो गया। अब दूसरा एक्सेप्शन क्या है, हम कहते हैं कि मेटल जो है वो सॉलिड होती है, लेकिन मरकरी एक्सेप्शन है। मरकरी क्या होती है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होती है, तो इन केसेस को एक्सेप्शन कहते हैं, ठीक है। तो बेटा आज हमने फिजिकल प्रॉपर्टी सारी पढ़ ली है, और कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा हुआ है, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टी हमने कवर अप कर ली है, ठीक है। कौन सी, एक मिनट, ये हो गया, ये वाली फिजिकल प्रॉपर्टी हमने क्या कर ली है, कवर कर ली है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। आज आपने इस फिजिकल प्रॉपर्टी को अच्छे से क्लियर कर लेना है, और एक्सेप्शन केस भी लर्न कर लेना है, मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी क्या होती है ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। आज के लिए इतना ही। अगर चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।